अग्निवीर वायु परीक्षा की तैयारी कर रहे हम अपने तमाम युवाओं को अपने स्टीम यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया पेश करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन पेश करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, आज मैं छठे दिवस मॉडल प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का अग्निवीर वायु के लिए छठे सेट लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ आप जितने भी विद्यार्थी पूर्व के सेट हमारे डिस्कशन को देखे हैं, सेट का काम किए, आप लोगों को उससे काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, काफ़ी आप लोगों के लिए सहायक साबित होता होगा। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप तमाम युवाओं से गुजारिश होगी चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जो आपके इष्ट मित्र दोस्त लोग हैं उन तक हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, वीडियोस को देख सकें, समझ सकें। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए चलेंगे मूल प्रश्नों पर, जो हम लोगों की काम है उस काम पे चलेंगे। बातें हम लोगों को काम के जरिए ही होते रहेगी। देखिए आज ये मॉडल प्रैक्टिस सेट का छठा सेट है डियर, छठे सेट हैं, सिक्स्थ नंबर सेट हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग पहले से भी सेट का काम किए होंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको प्रत्येक दिन की तरह पैसेज है, गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश में दिए गए जो कंटेंट्स हैं उसके हिसाब से जो सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों का जवाब देना है डियर। तत्पश्चात आपको और भिन्न भिन्न तरह के वर्ड से रिलेटेड सवाल होंगे, ग्रामर से रिलेटेड सवाल होंगे, उसके हम लोग जवाब देंगे। 20 क्वेश्चन की जो है सिस्टम आपको डेवलप किया है बोर्ड ने, 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा इंग्लिश में। तो डियर देखिए, समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कह रहा है कि कुछ कहना कि कुछ है, यह बहुत ही गलत चीज़ है। सेज द डिटेक्टिव, यह बात कौन कहता है? एक डिटेक्टिव, एक जो जासूस होता है, एक जो डिटेक्टिव होता है, वो यह कह कर कि किसी चीज़ को अवॉइड कर दे कि कुछ है, इसके पीछे कुछ होगा, ये उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ये गलत होगा। आई नो सेज मिस गर्विस, गर्विस नाम का एक व्यक्ति है जो बोलता है कि मैं तो जानता हूँ, इट्स रॉन्ग दैट समवन हैज स्टोलन फ्रॉम मी, यह बोल देना कि किसी ने मुझसे कोई सामान चुरा लिया है, कोई चोरी किया है, कुछ सामान की चोरी हो गई है, यह कहना एक स्पाई के लिए, एक डिटेक्टिव के लिए उचित नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। डिटेक्टिव कौन चुराया है इसकी स्पष्ट जांच करता है, चोरी हुई है या नहीं हुई है इसे एश्योर करता है, केवल यह कह के नहीं छोड़ देता कि चोरी हो गई है, कुछ हुई है, कुछ घटना घट गई है या किसी ने चोरी कर ली है, नहीं, चोरी कहाँ हुई है, कैसे हुई है, कौन किया है, यहाँ तक पहुँचना एक डिटेक्टिव की के लिए जरूरी होता है। द डिटेक्टिव लुक्स अराउंड मिस गर्विस अपार्टमेंट, और डिटेक्टिव क्या करता है कि वो जो जहाँ पे जो समस्याएं होती है, तो यहाँ गर्विस नाम के एक व्यक्ति है, वो बोलते हैं कि हमारी अपार्टमेंट के चारों ओर डिटेक्टिव जो है वो क्या करता है, देखता है। दैट इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट मैम, वो यह चीज़ नहीं देखता है जो जिस चीज़ों के बारे में मैं बातचीत करते रहता हूँ। व्हाट इज रॉन्ग इज दैट, कि क्या कुछ गलती हो गई है या नहीं हुई है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ द रॉबर गॉट इन एंड आउट, मैं तो यह नहीं समझ पा रहा था या नहीं समझ पा रहा हूँ कि चोर जो है कैसे अपार्टमेंट में घुसे, अपार्टमेंट से कैसे बाहर निकल गए। मिस गर्विस एंड द डिटेक्टिव स्टैंड इन द साइलेंस, ये दोनों देखते हुए भागते हुए इसका जो है से इंट्रोस्पेक्ट करते हुए गर्विस और डिटेक्टिव दोनों बिल्कुल शांतिपूर्वक खड़े रहे। मिस गर्विस आईज आर फुल ऑफ टीयर, मिस गर्विस की जो आंखों में क्या है, आंसू हैं, उनकी आंखें जो है आंसुओं से भरी पड़ी है। हर हैंड्स आर शेकिंग, उनकी हाथें थरथरा रही है, उनके यहाँ चोरी हो गई है, वो लूट लिए गए हैं। द रॉबर डिड नॉट कम थ्रू द विंडो, सेज द डिटेक्टिव, डिटेक्टिव उनके सामने रूम की अपार्टमेंट की जांच पड़ताल कर रही है और वो बता रही है कि रॉबर्स जो है अवश्य ही विंडोज से तो नहीं घुसी है। दिस विंडोज हैव नॉट बीन ओपेंड और शट इन द मंथ, चूंकि जो जो महीना चल रही है इस महीना में यह विंडो जो है से खोली नहीं जाती है, और यदि खोली गई होगी तो फिर भीतर से ये विंडो बंद कैसे हो गई, इसका मतलब है कि विंडोज से जो है चोर जो है नहीं घुसा है। द डिटेक्टिव लुक्स एट द फायर प्लेस, उसके बाद जो डिटेक्टिव है फायर प्लेस पर देखता है, जहाँ पे आग की जलाई हुई जो घुंटी है उसको देखता है। द रॉबर डिड नॉट स्क्वीज डाउन हियर, रॉबर यहाँ भी आस पास में नहीं आया है। द डिटेक्टिव वॉक्स टू द फ्रंट डोर, उसके बाद डिटेक्टिव जो है मेन गेट तक जाता है। ही एग्जामिन्स द लैच, वहाँ आसपास की स्थितियों परिस्थितियों को एग्जामिन करता है। एंड सिंस देयर आर नो मार्क्स और स्क्रैचेस, वहाँ मेन गेट पे कहीं किसी तरह का कोई मार्क्स नहीं है,
कोई चिन्ह नहीं है, कोई स्क्रैचेज नहीं है, कोई घसीट फसीट नहीं है, तोड़ फोड़ नहीं है। द रॉबर डेफिनेटली डिड नॉट ट्राई टू ब्रेक द लॉक। ये इस बात का संकेत करता है कि रॉबर जो है मेन गेट की जो लॉक लगी हुई है इसको भी तोड़ने काटने की कोशिश नहीं किया है, क्योंकि लॉक पे किसी तरह का कोई स्क्रैच तोड़ फोड़ इधर उधर करने का निशान नहीं है। आई हैव नॉट आइडिया हाउ ही डिड इट। मुझे तो कोई आइडिया मिल ही नहीं रही है, मेरे मन में तो कोई ऐसा विचार आ ही नहीं रहा कि आखिर वो कैसे घर में प्रवेश कर गया। सेज द बॉदर्ड एम्स मिस गैरविस। मिस गैरविस जो है बिल्कुल टेंशनलाइज्ड हैं, बॉदर्ड हैं, ऐसा वो बोलती हैं। इट इज़ अ बिग मिस्ट्री। यह तो बहुत बड़ी रहस्य लग रहा है। एंड यू से द रॉबर स्टोल नथिंग एल्स। और आप बोलते हैं कि रॉबर ने कुछ चोरी ही नहीं किया। आस्क द डिटेक्टिव। डिटेक्टिव पूछता है। नो मनी, कोई पैसा नहीं। नो ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी नहीं। नो क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल नहीं। दैट्स डिटेक्टिव। डिटेक्टिव, दैट डिटेक्टिव, ये तमाम बातें डिटेक्टिव बोलता है। ही टूक ओनली व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट टू मी। वह तो केवल वही चीज ले गया जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मिस गैरविस सेज विद अ साई। मिस गैरविस जो है बहुत साई करते हुए, सांसें लेते हुए वो बोली, देयर इज ओनली वन थिंग, वो केवल एक ही चीज था, आई कैन डू नाउ, जिसे मैं भी बता सकता हूँ, कर सकता हूँ। एंड व्हाट इज दैट, और वो क्या था। द डिटेक्टिव आस्क्ड विद सरप्राइज। डिटेक्टिव आश्चर्यजनक स्थिति में, आश्चर्यचकित होकर के पूछा, मिस गैरविस आखिर वो कौन चीज था। ना तो आपका कोई रुपया, धन, पैसा, दौलत, ज्वेलरी ले गया, और इससे बड़ा कौन इंपॉर्टेंट चीज था जो वो लेकर चला गया। काफी आश्चर्यचकित होकर डिटेक्टिव पूछता है, आई विल स्टॉप बेकिंग केक्स। अब मैं जो है केक्स, रोटी बनाना ही क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। मिस गैरविस से, मिस गैरविस बोलती है, दे आर माइंड टू गिव अवे। जो वे सभी क्या थे, मेरे थे, टू गिव अवे, दे आर नॉट फॉर समवन टू स्टील। वो किसी के चोरी के लिए नहीं थे। यू कांट डू दैट, आप वैसे नहीं कर सकते। सेज द डिटेक्टिव विथ अलार्म। डिटेक्टिव जो है एक अलार्म के साथ कुछ जो है अलार्म देते हुए, उसे चेताते हुए बोला, हु विल बेक दो डिलीशियस केक्स। आखिर उतना सुंदर, उतनी डिलीशियस, उतनी स्वादिष्ट केक्स कौन बनाएगा। आई एम सॉरी, मैं दुखी हूँ, आई डू नॉट नो, मैं ये नहीं जानती। सेज मिस गैरविस। गैरविस बोलती है कि मैं तो नहीं जानती अब कौन बनाएगा नहीं बनाएगा, मैं तो नहीं बनाऊंगा। आई मस्ट सॉल्व दिस केक इमेडिएटली, आई सेज द डिटेक्टिव। मैं तो बहुत ही आसानी से, आप बिल्कुल आवश्यक रूप से, कम समय में ही मैं आवश्यक रूप से दिस केस, इस मामला को सुलझा सकता हूँ। सेज द डिटेक्टिव। डिटेक्टिव बोला कि मैं आवश्यक तरीके से इस मामला को बहुत जल्द ही सुलझा दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। आप हैरान ना हो, आप अपनी काम करते रहें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए इतना ही पे ये कहानी समाप्त हो जाती है। मिस गैरविस हैं जिनके यहाँ कुछ चोरी हुई है, रुपये पैसे धन दौलत की चोरी नहीं हुई है। वो कहते हैं कि मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा एक इंपॉर्टेंट सामान खो गया है। बाकी खोजने देखने के बाद, जासूसी करने के बाद कहीं से कुछ जो दिखाई नहीं पड़ता है कि कहाँ से चोर का आगमन हुआ, कैसे वो निकासी लिया घर से। एक डिटेक्टिव उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। डिटेक्टिव बताता है कि ठीक है, मैं बहुत जल्द ही इसका पता लगा लूँगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वॉट डज मिस गैरविस से इज अ बिग मिस्ट्री। मिस गैरविस जो है किस चीज़ को एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बता रही है। हाउ द रॉबर गॉट इन। रॉबर कैसे घर में प्रवेश किया इसका, कि हाउ द रॉबर गॉट इन एंड आउट, कि रॉबर कैसे घर में प्रवेश किया और कैसे बाहर चला गया, इसको एक मिस्ट्री बता रही है। कि हाउ द रॉबर गॉट आउट, कि रॉबर कैसे भाग गया, इसकी मिस्ट्री बता रही है। कि हॉट द रॉब, कि हाउ द रॉबर स्टोल, कि रॉबर कैसे चोरी कर लिया, इसकी मिस्ट्री बता रही है। यही मिस्ट्री बता रही थी कि यह तो एक बहुत बड़ी रहस्य है कि रॉबर कैसे घर में घुस गया, कैसे बाहर निकल गया, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। चारों तरफ दरवाजे खिड़की बंद हैं और सामान नहीं मिल रहे हैं। तो ये बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा डियर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। व्हाट वाज स्टोलन, कौन सा चीज़ था जो चोरी कर ली गई थी। क्रिस्टल चुराई गई थी, नहीं। पैसा चुराया गया था, नहीं। ज्वेलरी चुराया गया था, नहीं। केक्स चुराया गया था। तो जवाब क्या हो गया बाबू, सी नंबर, केक्स। बिल्कुल ही आसान प्रश्न। तो इसी तरह से आप लोगों से काफ़ी आसान, सिंपल लेवल का, बिल्कुल नौवीं दसवीं के स्टैंडर्ड का जो प्रश्न होता है, उस स्टैंडर्ड का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। कहीं कोई घबराने की बात नहीं, कहीं कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हल्की जानकारी आपको लैंग्वेज तो होनी चाहिए। आप अच्छा काम करेंगे। आप यदि हमारे मॉडल प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक है, उस बुक को खरीदते हैं, तो उसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंटेंट्स दिए गए हैं, जिस कंटेंट्स को आप पढ़ करके हर एक विषय का आप समग्र अध्ययन
कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या लेवल क्वेश्चन का लेवल होगा, कैसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको रिटर्न एक्सप्लेनेशन भी उसमें दिया गया है, जिसके सहायता से आप काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी अच्छी आप अपनी बना सकते हैं। देखिए, व्हाई डज द डिटेक्टिव से, डिटेक्टिव क्यों बोलता है, आई मस्ट सॉल्व दिस केस इमीडिएटली, मैं शीघ्र ही इस मामले को हल कर दूंगा, बिकॉज मिस गैरविस इज स्केयर्ड, क्योंकि मिस गैरविस जो है स्केयर्ड है, डरी हुई है, बिकॉज मिस गैरविस इज क्राइंग, क्योंकि मिस गैरविस जो है रो रही है, बिकॉज मिस गैरविस इज वॉरिड अबाउट हु स्टोल फ्रॉम हर हाउस, कि बिकॉज मिस गैरविस सेज ही वॉन्ट बेक केक अगेन, यस, क्योंकि यही कह रही है, इसी बात के चलते वो बोलता है कि ठीक है इसका समाधान मैं ढूंढ लूंगा, क्योंकि मिस गैरविस बोलती है कि अब मैं केक नहीं बना पाऊंगी, अब मैं तो खा भी नहीं पाऊंगी, इसकी बात कर रही है, तो इसीलिए वो जो है से क्या है बोलता है कि ठीक है आप अपना काम करते रहे, मैं शीघ्र ही इसकी जाँच पड़ताल कर लूंगा। तो जवाब आपका क्या होगा डियर, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, व्हाट डज द एक्सप्रेशन हर हैंड आर शेकिंग मीन हियर, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, हर हैंड्स आर शेकिंग, उसकी हाथ कप कपा रहे हैं, वह डरी हुई है, वह थरथरा रही है, इसका क्या भाव है, तो मिस गैरविस इज शिवरिंग विथ फीवर, मिस गैरविस को फीवर हो गया है, नहीं, मिस गैरविस इज शिवरिंग विथ वॉन्डर आश्चर्य से, नहीं, मिस गैरविस इज शिवरिंग विथ फियर डर से, नहीं, मिस गैरविस इज शिवरिंग विथ कोल्ड, कोल्ड है, कोल्ड से वो क्या कर रही है, ठंड से वो कांप रही है, ठंड का दिन। देखिए, व्हाई डज द डिटेक्टिव से दैट द रॉबर डिड नॉट कम थ्रू द फ्रंट डोर, डिटेक्टिव यह कैसे प्रमाणित करता है, कैसे बोलता है कि रॉबर जो है मेन गेट से, मेन डोर से प्रवेश नहीं किया है, वो कैसे बोला, द लैच वॉज नॉट ओपन, क्योंकि खिड़कियाँ केवाड़ी जो है वो नहीं खुला था, देर वॉज नो लॉक, कोई लॉक नहीं था, नहीं, देर वॉज नो डोरविल, कोई डोरविल नहीं था, देर वेयर नो स्पेस, क्योंकि फ्रंट डोर पे किसी तरह का कोई घसी तोड़ फोड़ स्क्रैच किसी तरह का नहीं था, लॉक पे या कहीं भी अगल बगल पे मेन गेट पे, इससे पता चला कि आखिर यदि चोर आता है इससे इस तरफ से घुसने का कोशिश करता तो कोई चोट मरोच लगाता, लॉक को पीटता, लॉक को काटने की कोशिश करता, ऐसी कोई स्क्रैचेज नहीं थी, किसी तरह का चिन्ह नहीं था, इसलिए डिटेक्टिव बोला कि इधर से चोर नहीं घुसा होगा। तो जवाब आपका क्या होगा बाबू, डी नंबर चला जाता। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बाबू, प्लीज कीप क्वाइट, कृपया कर बिल्कुल शांत हो जाए, ये आपका इंपरेटिव का रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, प्लीज लगा हुआ है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए आपको पता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं डाल देते हैं। तो आइए देखते हैं ये कहाँ है, कीप टू बी क्वाइट नहीं होगा, यू आर टू बी रिक्वेस्टेड नहीं होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हो जाएगा, यही जवाब होगा बाबू, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, आपको बिल्कुल शांत रहने की जरूरत है, आपको बिल्कुल ही शांत रहने की रिक्वेस्ट की जाती है, गुजारिश की जाती है, जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा डियर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सी इज बींग टू काइंड, सी इज बींग टू काइंड, वह बहुत ही दयालु प्रतीत हो रहा है, रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग, इस सेंटेंस में टू का रिमूवल करना है, टू को हटा करके और एक ऐसा सेंटेंस डेवलप करना है जो बिल्कुल इसी प्रकार की मीनिंग को लेकर के आ जाए। तो सी इज सो बींग काइंड टू बी प्रॉपर नहीं, सी इज मोर काइंड यह भी नहीं होगा बाबू, चूंकि सी इज मोर काइंड दैट इट वाज प्रॉपर, वह ज्यादा है ऐसा नहीं है, वह बहुत काइंड है, दयालु है, मतलब सी इज बींग एक्सट्रीमली काइंड, वह बहुत ज्यादा दयालु है, एक्सट्रीमली है जितना नहीं होना चाहिए, रिमूवल ऑफ टू में टू को हटा करके इज बींग लगा हुआ है, टू को हम एक्सट्रीमली में चेंज कर देंगे, एक्सट्रीमली काइंड टू हट जाएगा, दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही निकला और टू को हम हटा दिए, रिमूवल का काम हो गया, इसी को बोलते हैं रिमूवल ऑफ टू, टू को हटाना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न बाबू, टू बी एट ड्रैगर्स ड्रॉन मीन, ये आइडियम्स फ्रेज का प्रश्न है, ये आइडियम्स है, टू बी एट ड्रैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब है दुश्मनी होना, बहुत दिनों से दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी होना, दुश्मनागत चलते आना, उसी को बोलते हैं टू बी एट ड्रैगर्स ड्रॉन। तो देखिए, टू कीप अनचेंज्ड, अनचेंज्ड होना, कंफ्यूज होना नहीं होगा, टू हैव बिटर इनमिटी, बहुत ज्यादा इनमिटी, शत्रुता होना, दुश्मनी होना, ये जवाब हो जाएगा, टू बी अंडर सस्पिशन, शक संदेह के दायरे में होना, तो यह भी नहीं होगा, जवाब क्या होगा, टू हैव बिटर इनमिटी, दुश्मनागत होना, बहुत ज्यादा दुश्मनी होना, जवाब हो जाएगा बाबू बी नंबर। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है माय डियर, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज, फ्रेज जो दिया हुआ है उसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट चाहिए, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, देखिए वैसा कोई चीज जो टू
ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, जिसकी एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन, जिसकी एक से ज्यादा व्याख्या किया जाए, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, जिसका स्पष्ट कोई एक अर्थ नहीं निकले, उसको बोलते हैं बाबू एम्बिग्यूअस, दुविधाजनक, दुविधाजनक, असमंजस की स्थिति होना, साफ सुथरा कोई एक निर्णय पे नहीं आना, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस, घुमा फिरा करके बात करना। तो यह जवाब हो जाएगा एम्बिग्यूअस, दुविधाजनक, शंकपूर्ण, शंकापूर्ण, अपोजिट नहीं होगा, एक्सेप्शनल नहीं होगा। टी आर आई टी वर्ड जो है, ये हमारा तीन ऑप्शन कैंसिल हो गया, चौथा ऑप्शन डी नंबर का यहाँ पे सटीक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग वाले वर्ड को चुनना। वर्चुअस, वर्चुअस का स्पेलिंग देखिए, ह्यूमनॉइड, ह्यूमनॉइड में ई गलत है बाबू, एच यू एम एन ओ आई डी, ह्यूमनॉइड ये होगा, एच यू एम एन ओ आई डी ह्यूमनॉइड होगा, ये जवाब हो जाएगा ह्यूमनॉइड, मानव की तरह, मानव के जैसा। डेवियंस, डी ई वी आई ए एन सी, डी ई वी आई ए एन सी, डेवियंस का स्पेलिंग सही है, डी ई वी आई ए एन सी, डेवियंस मतलब किसी भी एक जगह से डेविएट कर देना, हटा देना। आर आई सी, आर आई सी के एस एच ए डब्ल्यू होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। वी आई आर टी यू ओ यू एस होता है वर्चुअस, इसलिए ये भी स्पेलिंग गलत हो गया। तो सारे स्पेलिंग गलत है, जो सही स्पेलिंग है सी नंबर है, डेवियंस, रास्ते से भटक जाना, विपथ गमन, भटकाव, उसको बोलते हैं डेवियंस। जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए 11वें नंबर का प्रश्न, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को देखिए, सेलेक्ट द एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब क्या होता है भैया, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट वर्ड चाहिए, क्या है, वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है, जिंदा दिल, ऊर्जावान, ऊर्जा से ओतप्रोत, ड्रैब, नीरस नहीं होगा, गाउडी, गाउडी का मतलब क्या होता है बाबू, चटकीला, भड़कीला, यह भी नहीं होता, विविध, विविध का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, तो यह भी नहीं होगा, जैजी, जे ए डबल जेड वाई, जे ए डबल जेड वाई, जैजी, जैजी का मतलब क्या होता है, देखो तो जैजी का मतलब ही होता है बाबू जिंदा दिल या जज का, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन कब, सिनोनिम्स होगा तब, लेकिन यहाँ पूछ रहा है एंटोनिम्स, इसलिए ये नहीं होगा। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा, एक नंबर, डी आर ए डी, ड्रैब, ड्रैब का मतलब होता है नीरस, उदास, उदासीन, वाइब्रेंट का मतलब होता है जिंदा दिल, ऊर्जा से ओतप्रोत, ऊर्जावान, उल्टा हो जाएगा ड्रैब, नीरस, उदासीन, जवाब आपका एक नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, इफ यू आर काउट यूजिंग अ कैलकुलेटर इन एग्जाम, यदि आप कोई भी एग्जाम में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं, देन तो इट विल बी टेकन, तो यह टेकन कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, नहीं, कन्फिसेट, कन्फिसिटेट नहीं होगा, अंडर पजेशन, ये अधिकार में होगा, नहीं, इट विल बी कन्फिस्केटेड, तो वह परीक्षा केंद्र की जो मूल अधिकारी पदाधिकारी होंगे, परीक्षा नियंत्रक होंगे, उनके द्वारा इट विल बी कन्फिस्केटेड, वह जब्त कर ली जाएगी, आपसे ले ली जाएगी, आप आपका उस पे से अधिकार समाप्त हो जाएगा, वो आपसे छीन लिया जाएगा, जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा, कन्फिस्केटेड, जब्त कर लेना, ले लेना। चेंज द नरेशन, नरेशन को चेंज करना, तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ, मतलब ये डायरेक्ट नरेशन का है, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना, तो देखिए रीता सेल टू द अटैकर, रीता सेल टू द अटैकर, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, प्लीज डोंट हिट मी, कृपया कर मुझे मत मारो, ये आपका रिपोर्टेड क्लाउज है, रिपोर्टेड क्लाउज और रिपोर्टिंग क्लाउज, जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो रिपोर्टिंग क्लाउज को पहले लिखते हैं, तो लिख देंगे रीता, और चूंकि प्लीज डोंट हिट मी, प्लीज लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट बोल रही है, रिक्वेस्ट कर रही है रीता, तो से सेड जो है बाबू वो रिक्वेस्ट में चेंज होगा, रीता रिक्वेस्टेड द अटैकर, रीता रिक्वेस्टेड द अटैकर क्या हो जाएगा, नॉट टू हिट मी, नहीं हिट करने के लिए, नहीं मारने के लिए गुजारिश की, तो रीता बेग्ड, रीता टोल्ड, रीता बेग्ड, रीता प्लीडेड, बहस कर नहीं करेगी, टोल्ड नहीं करेगी, तो अब हो जाएगा बेग्ड, याचना की, प्रार्थना की, तो प्लीज का उतरा यहाँ प्रार्थना में भी हो सकता है, प्रार्थना की, याचना की, तो रीता बेग्ड द अटैकर, टू नॉट नहीं होगा बाबू, इसलिए एक नंबर ऑप्शन कैंसिल, जवाब हो जाएगा सी नंबर, रीता बेग्ड द अटैकर, आक्रमणकारियों से रीता याचना की, माफी मांगी,
प्रार्थना की, नॉट टू हिट हर, कि तुम मुझे क्या करो, हिट मत करो, तुम मुझे मत मारो। जवाब आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है डियर, इंडियन डिफेंस फोर्सेस फाउट द एनिमी टिल द लास्ट सोल्जर वाज स्टैंडिंग। जब तक कि अंतिम सोल्जर, अंतिम सैनिक खड़ा था, तब तक भारतीय डिफेंस फोर्स जो है क्या करते रहे, लड़ते रहे। तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस, यहाँ इंडियन डिफेंस फोर्सेस नहीं होगा बाबू, फोर्स होगा। एक नंबर मेरस है आपका, एक नंबर पार्ट में है, तो ए नंबर में आपका एक नंबर पार्ट है, अर्थात जवाब आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। अब देखिए डिफिकेट, डिफिकेट का मतलब क्या होता है, डी ई एफ ई सी ए टी, डिफिकेट का मतलब होता है माय डियर उत्सर्जन करना, त्याग करना, निकालना, बाहर करना। देखिए सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब ये होता है त्याग करना, हटाना, बाहर करना, निकालना। जवाब आपका डी नंबर होगा। इंजेस्ट का मतलब होता है लेना, प्राप्त करना, ये नहीं होगा। क्विंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, यह भी जवाब नहीं होगा। सी एच ए डबल एफ, सैफ, सैफ का मतलब होता है सी एच ए डबल एफ, सैफ, सैफ का मतलब क्या होता है बाबू, तो सैफ मतलब होता है भूसा, कोई भी जो अनाज होता है उसकी ऊपरी जो आउटर लेयर जो होता है माय डियर उसको सैफ बोलते हैं, भूसा, भूसी। ये भी कैंसिल हो गया, जवाब हो गया सीक्रेट मतलब निष्कासन करना, अलग करना, हटाना, बाहर निकालना। नेक्स्ट देखो, अब हमारा यहाँ फिलर है, साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ, विज्ञान जो है हमारी जीवन को बदल दिया है। कितना आसान सवाल है, अब यहाँ लगाना है क्या साइंस के पहले ए एंड द का प्रयोग हुआ, तो साइंस के पहले ए एंड द, साइंस, लाइफ, सोसाइटी, कॉमन तौर पर यदि लिखा हुआ है नेचर, मैन, तो ये सबके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है डियर, अर्थात यहाँ जवाब हमारा डी नंबर हो जाएगा, नो आर्टिकल। साइंस हैज चेंज आवर लाइफ, विज्ञान जो है हमारी जीवन को, जीवन की पद्धतियों को बदल दी है, यही आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ऑल हिज लगेज, उनकी सारी सामान स्टोलन, चुरा ली गई है। तो देखिए ऑल हिज लगेज, लगेज क्या है, लगेज यहाँ क्या है बाबू, सिंगुलर है, तो ऑल हिज लगेज हैड बीन स्टोलन, चुरा ली गई, उनकी तमाम सामान जो है चुरा ली गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है द आर्मी डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर, आर्मी जो है अपने कमांडर को डिसओबे करने का डिसाइड कर लिए हैं। आर्मी यहाँ सिंगुलर है, द आर्मी हैज डिसाइडेड, डिसाइड कर लिया है टू डिसओबे इट्स कमांडर, अपने कमांडर को की बात नहीं मानने का, डिसओबे कर देना का। द ऑफ डियर मार्क्स ब्यूटीफुल सीन, देखिए डियर का, हिरनों का दल, समूह बहुत ही सुंदर दिख रही है, एक काफी सुंदर सीन, दृश्य क्रिएट कर रही है, तो हाइव, हाइव होता है माय डियर मधुमक्खियों के समूह को, हीप कोई अनाज का बहुत बड़ा ढेर होता है उसको बोलते हैं हीप, कुत्तों का, कुत्ते के बच्चों का समूह जो होता है उसको केनल बोलते हैं, हर्ड हो जाएगा डियर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हर्ड हो जाएगा, द हर्ड ऑफ डियर, द हर्ड ऑफ डियर, हिरनों का समूह काफी अच्छी सीन क्रिएट करती है, अच्छी दृश्य क्रिएट करती है। द हॉल हैज अ सिटिंग कैपेसिटी, इतना स्टूडेंट करा कि हॉल जो है उसमें बैठने की क्षमता है, कितना, 500 विद्यार्थियों के लिए, 500 विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था है, 500 विद्यार्थियों की बैठने के लिए जगह है हॉल में, हॉल के पास। तो द हॉल हैज अ सिटिंग कैपेसिटी 4500 स्टूडेंट्स, जवाब आपका सी नंबर हो जाएगा, 4500 स्टूडेंट्स। और इस तरह से आज का सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त हो गया, आशा करते हैं हमारी इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझने को प्राप्त हुआ होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जुड़े हुए जितने भी यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, आप तमाम साथियों को मैं अपनी टीम की ओर से एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया पेश करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत पेश करता हूँ। किसी प्रकार की क्यूरीज के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद।